गाइस, आज हम मीट बनाएंगे। उसके लिए हम प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छे से साफ कर लेंगे और साथ में चिलीज भी। इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आज हम मुरब्बा बनाने वाला सब्जी यूज करेंगे। हमारे यहाँ पे इस सब्जी को कुमुरा कहते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आप लोगों के वहाँ पे इस सब्जी को क्या कहते हैं। इसको हम अच्छे से छेद कर लेंगे ताकि मसाला इसमें घुस जाए। अभी हम प्याज को चॉप कर लेंगे। ये हमारा प्याज और सब्जी रेडी हो गया है। अभी हम प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए डाल देंगे। प्रेशर कुकर जब गर्म हो जाए उसके बाद हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम अनियंस को डालेंगे। अनियंस का कलर चेंज होने के बाद हम साबुत मसाले डालेंगे और जो हम पेस्ट करके रखे हुए थे वो पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे। कलर चेंज होने के बाद हम मसाले डालेंगे। ये डाल दिया जीरा पाउडर। और ये हल्दी पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर। आप लोग कितना ज़्यादा चिली खाते हो उतना ज़्यादा डाल दीजिएगा। रेड चिली पाउडर और आप लोग स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और ये गरम मसाला। मसालों को बीच बीच में चलाते रहिएगा, यही तो जलने का डर रहता है। अच्छे से पकने के बाद हम इसमें मीट डाल देंगे। मीट को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा ढक के पका लीजिए और उसके बाद उन सब्जी को डाल दीजिए। अभी इन सब्जी को अच्छे से मिक्स करके ढक दीजिए। बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। अच्छे से पकने के बाद ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। आप लोगों को कितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। और हाँ, सब्जी को पकने के लिए भी पानी चाहिए होगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अभी हम प्रेशर कुकर को लगा के 4 सीटी आने तक लगा के रखेंगे। ये हमारा मीट रेडी है। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो
तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।